जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी दिनों से हम लगातार वेट कर रहे थे। बहुत बच्चे होते हैं जो नोटिफिकेशन का बहुत ईगरली वेट करते हैं कि कब हमारा नोटिफिकेशन आएगा। 20th of December को नोटिफिकेशन आना था, लेट इवनिंग आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम उसी पूरे नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सारे बातों को हम जो है आपके सामने रखेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि एनडीए एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने से पहले आपको किन किन बातों का जानना जरूरी है। बिकॉज नोटिफिकेशन जो है वो तो 117 पेज का है, 117 पेज का नोटिफिकेशन है। तो ऐसे में हम क्या जनरली उम्मीद यही रखते हैं कि बच्चा जो है सारे पेजेस को नहीं पढ़ेगा। इवन तो सारे पेजेस को छोड़ दीजिए, वो शुरुआत के 2-4-5 पेज को भी नहीं पढ़ना चाहता है। तो सारी जो है इन्फॉर्मेशन एक कलेक्टिव वे में हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पूरी नोटिफिकेशन है, इसमें ए टू जेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने से लेकर के आपके पेपर देने तक का, वो सारी चीजें आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहली बात ये क्लियर कर दूं, जो पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर रहे हैं, जो पहले भर चुके हैं वो तो हमारा वीडियो पहले देखे भी होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं यानी जो फर्स्ट टाइम एनडीए जैसे एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो एक चीज क्लियर कर दूं कि यूपीएससी है भाई साहब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 3/22 का और 100 डिटेल्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि 20th of December 2023 से आपका यानी कल शाम से आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। 20th December 2023 से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, दैट इज 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक। ये ध्यान रखना है, ये नहीं हो कि हम रात में 10 बजे 11 बजे भरेंगे तो हमारा 9 तारीख ही लगेगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आप पहली बात तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है, जेन्युइन डिफेंस एस्पिरेंट है, सभी से एक विनम्र निवेदन है बेटा, फॉर्म को स्टार्टिंग डे में भर दीजिए ताकि बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेबसाइट क्रैश करती है। हालांकि जनरली यूपीएससी की वेबसाइट ऐसी नहीं होती, लेकिन ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सेंटर्स आपके नियरेस्ट सेंटर आपको नियरेस्ट सिटी में ना जाकर कहीं और सेंटर्स आपके जो है जा सकते हैं। तो हर प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, ठीक है, कल फॉर्म आ चुका है 20th of December को और आप जो है एज सून एज पॉसिबल विद इन अ वीक अपना फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म में एज सच ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत बड़ी प्रिपरेशन कोई करनी पड़े, ठीक है बेटा। तो एग्जामिनेशन जो ध्यान रखिएगा, एक बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे जो है फॉर्म भरते वक्त जो है, ठीक है, फॉर्म तो भर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो भैया अगर पैसा नहीं दोगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाता है। इस बात को आप जो है गांठ बांध दीजिए। और उसकी भी टाइम क्या है, उसका भी टाइम लिमिट दे रखा है, दैट इज क्या, 9 जनवरी 2024, 9th of January 2024 इज ऑल्सो द लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन। तो फी सबमिशन भी सेम डेट, उससे पहले ही उसी समय में करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। एक और मॉडिफिकेशन का विंडो दिया है एडिट करने का, अगर आपकी कोई गलती से भी अगर आपने कोई गलत फॉर्म या कोई गलत डेटा उसमें डाल दिया है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक विंडो आप प्रोवाइड कर रहे हैं 10 से 16 जनवरी को, 10 जनवरी टू 16 जनवरी के बीच बेटा आप क्या है, आप जो है उस फॉर्म को अपने मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर उसमें कोई बाय डिफॉल्ट गलत आपने फॉर्म फिल कर दिया है। तो एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 21st अप्रैल 2024। बहुत बड़े से चार्ट में आपको अपने कमरे में लिखना है बेटा 21 अप्रैल 2024। ये 21 अप्रैल 2024 जो है बेटा वो आपकी जो है दुनिया बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो एडमिट कार्ड विद इन अ वीक 10 डेज पहले जो है फॉर्म आ जाते हैं, एडमिट कार्ड बेटा आ जाते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैं बता दूं कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भैया 100 रुपए आपको देना मैंडेटरी है, यानी 100 रुपीज 100 रुपए में आप अफसर बन सकते हैं बेटा। वो एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ एनडीए का जहां पर आप 100 रुपीज में अफसर बन सकते हैं, यानी कि 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। एससी एसटी कम्युनिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली, उनको सिर्फ फॉर्म भरना है, कोई फी पे नहीं करनी उसके लिए। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, जो हमारी बेटियां हैं, ठीक है ना, जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए, ठीक है ना, एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। धीरे धीरे लगातार 2 साल हो चुके हैं,
और उनके लिए क्या है, वो भी कोई भी पैसा उनका भी नहीं लगना है। तो आप भी दिल खोल के फॉर्म भरिए बेटा, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और द पे ऑफ द एग्जाम फी थ्रू कैश एंड चालान फी मोड सबमिट द एग्जाम फी एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट एनी ब्रांच इन इंडिया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है भैया आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने जमाने में जी रहे हैं तो आज भी आप SBI का बैंक चालान निकाल करके, प्रिंट आउट लेकर के बैंक जा करके, 100 रुपए जमा करके, वहां ला करके वो आपको चालान नंबर देंगे, उसको फिल कर सकते हैं आप। इस तरीके से भी कर सकते हैं उसमें, तो वो बहुत पुराना तरीका हो चुका है। अब एज लिमिट बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है एज लिमिट का। हुआ का इन द सेंस मिथ है, गलत मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में एज को लेकर के। तो मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 15.5 साल से 18.5 साल के बीच में है, यानी कि 15.5 to 18.5 के बीच में अगर एज है, तो ही आप परमिट है, तो ही आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के बेटा। वो अगर हम उसको डेट ऑफ बर्थ एज बिटवीन देखें तो जिसकी एज 2 July 2005 से लेकर के, ठीक है, 1 July 2008 के बीच में है, इंक्लूडिंग वो डेट, ठीक है ना, इसके अगर बीच में है तो आप जो है NDA का फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसी एज लिमिट वाले, इन्हीं के बीच वाले गैप, इन्हीं के बीच वाले बच्चे ही इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी उसकी उम्र 15.5 to 18 साल है, हर 6 महीने के आधार पर मैक्सिमम किसी भी बच्चे को 6 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट होने दीजिएगा। अगर हम बात करें सीट्स की कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में आर्मी कैडेट के लिए इस बार जो है 208 सीटें आई हैं, 208 सीट्स हैं। ठीक है, और आर्मी वालों के लिए खास बात है ये है कि वो अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। यानी अगर आपने 12th अपना किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप NDA का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवी ज्वाइन करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है या नेवल अकेडमी ज्वाइन करना है तो यू मस्ट हैव मैथ्स एंड फिजिक्स इन योर 12th क्लास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीट्स का भी इसमें एलोकेशन अलग अलग है। नेवी के लिए 42 सीटें हैं, 42 सीट्स, एयरफोर्स के लिए 120 सीट्स है एंड नेवल अकेडमी के लिए 30 सीट्स हैं इस कोर्स के लिए। कैसे फिल करना है, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको OTR के थ्रू गुजरना होगा। दैट इज UPSC हैज मेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR मैंडेटरी फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट्स, दस OTR इज नेसेसरी इन दिस रिक्रूटमेंट नेशनल डिफेंस अकेडमी 2024। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट डन OTR येट शुड डू देयर OTR, विदाउट इट द एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर NDA वन एग्जाम 2024 फॉर द 400+ अप्रॉक्स वैकेंसीज इन आर्मी नेवी एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन, क्या है ये बेटा डेट वहां पर दे रखी है क्लियर, 20th of December 2023 टू 9th of January 2024 के बीच ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में भी कहता है UPSC, भैया फॉर्म भरने से पहले यू मस्ट हैव रेड द क्या नोटिफिकेशन, बहुत जरूरी होता है। अगर आप वहां से नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे पूरे वीडियोस को देख लीजिए, आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। Kindly check and collect the all documents, eligibility, ID proof, address, details, basic details, etc. Kindly read scanned document related to recruitment form, photo, sign, ID proof, etc. Before submit the application form, must have checked the preview and all column carefully. If candidate required to paying the application fee, must submit it. अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि पैसा जमा करना है, फीस देनी है, तो आपको करना पड़ेगा। If you have not the required application fee, your form is not completed. ठीक है, take a print out of final submission. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी है। ठीक है, इस सब के अलावा, ठीक है, फॉर्म तो आप भर देंगे, तैयारी कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने वाला बच्चा, ठीक है, वो अपनी तैयारी को लेकर कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है, क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 21st of April 2024 डेट फिक्स हो चुकी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, यानी 21 अप्रैल को आपका क्या है, आपका युद्ध होने वाला है, आपका धर्म युद्ध होने वाला है। ठीक है, उस युद्ध में आपको सफलता मिलने वाली है या आप असफल होने वाले हैं, या आप उस असफलता से कुछ सीखने वाले हैं, तो कई सारे फैक्टर्स होने वाले हैं 21 अप्रैल 2024 को आपके लाइफ में।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि 21 अप्रैल 2024 को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे, बेहतर से बेहतर जो है अपने एफर्ट डालेंगे ताकि 21 अप्रैल 2024 के बाद आपको सोचना ना पड़े रिजल्ट के बारे में कि भैया रिजल्ट हमारा क्या होने वाला है। तो बच्चा मेरे इतनी मेहनत जरूर कर लीजिए कि रिजल्ट का वेट ना करना पड़े आपको, आप एग्जामिनेशन हॉल से जैसे निकले वैसे आपको रिजल्ट के बारे में पता चल जाए। तो इसी के साथ सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, फॉर्म पहली बार पहले भरिए एज सून एज पॉसिबल और 21 अप्रैल की तैयारी आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा जो बच्चे पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारे नए बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, आप एज सून एज पॉसिबल आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच हमारा 26 से स्टार्ट होने वाला है, दूसरा बैच हमारा जो है 3rd of January से स्टार्ट होने वाला है, तो आप एज सून एज पॉसिबल आकर के पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के साथ। ओके बच्चा, जय हिंद जय भारत।